नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ट्यूटेल्फ पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेयर में एयर की वजह से होता है। अब क्या है कि एयर है तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ फोर्स भी लगाएंगे, और सिंस हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, राइट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं। पहला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ हैं? ट्रोपोस्फियर पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पेन ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक एयर कॉलम बनाऊँ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से, और मैं यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे खड़ी हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर आप समझ जाएंगे, मैं अर्थ के सरफेस पे खड़ी हूँ, तो ये जो ऊपर ट्रोपोस्फियर के सीधे सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं सब के सब। सो कलेक्टिवली ट्रोपोस्फियर पे अगर मैं हूँ तो एक्सोस्फीयर से लेके ट्रोपोस्फियर तक सारे पार्टिकल्स मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो मेरे ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ज़्यादा प्रेशर हुआ। अब अगर मानिए कि मैं मेसोस्फीयर पे खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेसोस्फीयर पे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो अगर मैं यहाँ हूँ तो जो भी मेरे सारे पार्टिकल्स हैं ऊपर से, तो केवल एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के जो थोड़े पार्टिकल्स होंगे वही मेरे पे फोर्स लगाएंगे। तो इन दोनों में से, ट्रोपोस्फियर और मेसोस्फीयर में से, आपको क्या लगता है कहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली ट्रोपोस्फियर पे, बिकॉज नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एयर कॉलम इज मोर, सो द फोर्स अप्लाइड इज मोर, सो द प्रेशर इज मोर, राइट। दैट्स वाई वी से कि सी लेवल पे मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है एज कम्पेयर टू अबव। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं ये सोचूं कि मैं माउंटेन पे हूँ, फाइन, ट्रोपोस्फियर पे देखते हैं, एक मैं प्लेन्स पे हूँ एक मैं माउंटेन पे हूँ, तो कहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा? प्लेन्स पे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ऊपर गई तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर एक्टिंग मेरे ऊपर वो कम हो गए, और जैसे ही वो कम हुए तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। सिंपल सी चीज़ इसमें याद रखने की ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे उतना फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिंपल, क्लियर। इसी वजह से जब आप प्लेन में होते हो, देखो आप ट्रोपोस्फियर में, प्लेन यहाँ है और आप वैसे अर्थ के यहाँ होते हो, राइट। जब आप प्लेन्स में होते हो आपके ईयर पे जो पॉपअप साउंड होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि जब बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लो है, और मेरे अंदर जो है वो जितना मेरा प्लेन्स पे होता है उतना है, दैट इज़ वाई माई ईयर पॉप्स। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि जब मैं यहाँ हूँ और इतना सारा फोर्स ऊपर से प्रेशर एयर का पूरा लग रहा है, तो वाई डोंट आई गेट क्रश्ड? मैं क्रश क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि हमारे अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो बाहर का है वो बैलेंस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो सारी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी मैं बैठी हूँ तो यहाँ 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 हर जगह से प्रेशर लग रहा है, राइट, पर मेरे अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इस बाहर के फोर्स को बैलेंस आउट करके नल कर रहा है, इस वजह से आई डोंट गेट प्रेस डाउन, फाइन। तो जब आप ऊपर प्लेन में जाते हो, क्योंकि मेरा तो हाई है प्रेशर और बाहर क्या होता है, बाहर का लो है, तो मेरे कान में पॉपअप की साउंड आती है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि ये वैल्यू क्या होती है इसकी? जो क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में मरकरी डालते हैं और एक उल्टा बीकर अंदर डालते हैं, छोटा, फाइन। सो व्हाट हैपन्स इज कि मरकरी का जो लेवल है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगाता है, इसे टॉरिसली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फोर्स लगाया तो वो जो लिक्विड है उस पर फोर्स लगा, तो क्योंकि वो बीकर खाली है तो उसमें लिक्विड उठेगा, जितना mm लिक्विड उठ रहा है मरकरी का उस अपसाइड डाउन में, वो हमें बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। तो जो लेवल आता है वो होता है 760 mm। अब ज़रा देखते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होती कितनी है यूनिट, ओके। सो यहाँ देखिए आप, सो स्क्रीन पे आप सिमुलेशन देख सकते हैं। ये सिमुलेशन फिट कोलोराडो की है, इसको मैंने लिक्विड प्रेशर को समझाने के लिए भी आपको बताया था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखिए, ये मेरा एक मेजरिंग डिवाइस है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती हूँ तो ये कहलाएगा बैरोमीटर। वैसे जनरली दोनों अलग होते हैं पर यहाँ पर एक ही दे रखा है। और अगर मैं लिक्विड प्रेशर मेजर करती हूँ तो ये होता है मैनोमीटर। अब इसको जब मैंने एयर में पुट किया तो देखिए वैल्यू है 101.313 किलो पास्कल। सो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ पे होता है वो जनरली इतना होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, तो एक बार देखते हैं, अगर मैं इसे नीचे लेके जाती हूँ तो देखिए मेरी जो रीडिंग है वो बढ़ गई। सो इसका मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगी मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगी देखिए मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू घट रही है। सो इसका मतलब जितना ऊपर आप स्फेयर्स में जाते रहेंगे आपका एटमॉस्फेरिक वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना आप नीचे जाते जाएंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, यूनिट्स किलो पास्कल में ली जाती है, मरकरी का 760 mm का होता है। जैसे जैसे सी लेवल पे नीचे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे घटेगा, इसीलिए माउंटेन्स पे कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लेन्स पे ज़्यादा होता है, सी लेवल पे और ज़्यादा होता है। लेट्स गो बैक टू आवर पीपीटी। तो हम पीपीटी पे वापस आ चुके हैं। अब देखिए हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये इतना सब कुछ पढ़ा है, उसका यूज़ क्या है। तो जब आप पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है। कैसे? आप जब मुंह में सक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट होता है लो प्रेशर, ओके, क्योंकि आप यहाँ से सारे पार्टिकल्स हटा, आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो सारे पार्टिकल्स हट जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स कम हो गए तो फोर्स कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। सिंस यहाँ कम है और ग्लास में हमारे आसपास तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जो कि पानी पे लगता है, एंड दैट्स वाई स्ट्रॉ जो होता है वो कोई भी लिक्विड होता है उसको पुल अप कर सकता है। क्लियर? सो हमारे माउथ के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, लो, और यहाँ पे क्या हुआ, हाई। हमेशा याद रखिए हर चीज़, एनी फ्लूइड, एयर और लिक्विड, एनी लिक्विड, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ भी देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई टू लो हुआ। नेक्स्ट वी हैव दिस सकर। आपने देखा होगा सकर हमने बहुत गेम्स में भी यूज़ किया है। तो सकर जो होता है वो सामान को हैंग करने के भी काम आता है। क्या होता है, एक सकर में बेसिकली एक उसको पुश करते हैं वॉल पे, और जैसे आप उसको पुश करेंगे वॉल पर तो वहाँ पे हमारे अंदर के, क्योंकि पार्टिकल्स निकल जाते हैं एयर के, जैसे ही पार्टिकल्स निकले फोर्स कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, सो अंदर वो मेरा अब लो प्रेशर है। यहाँ जो पहले ऐसे था अब वो ऐसे ऐसा कर, बाहर तो उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई से लो की तरफ होगा, तो वो फोर्स लगाएगा, जैसे ही वो फोर्स लगाएगा ये सकर वॉल के और चिपक जाएगा, फिर आप इस पर कुछ भी हैंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सकर में देखिए जहाँ एयर बीइंग फोर्स्ड आउट, तो मेरा जो अंदर है यहाँ पे लो होगा और जो बाहर है वहाँ मेरा हाई होगा, और सिंस मेरा एयर इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज़ वाई ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, so it will be stuck to the wall. Clear? Next we have vacuum cleaner. How do you think vacuum cleaner works? तो vacuum cleaner में basically अंदर एक vacuum create होता है। vacuum क्या होता है? जब मैं किसी भी जगह के सारे air particles निकाल दूंगी तो वहाँ vacuum create हो जाएगा। फाइन, इतना क्लियर हुआ। अब जब उसमें पार्टिकल्स ही नहीं है तो कोई फोर्स ही नहीं है, और जब कोई फोर्स ही नहीं है इसका मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं। सिंस उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, सो मैं ये कह सकती हूँ कि अंदर को जहाँ पार्शियल वैक्यूम, इसने लिखा है पार्शियल मतलब आधा ही, सारे पार्टिकल्स नहीं निकाले, क्योंकि उससे वो वैक्यूम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो किसी भी चीज़ को पुल करेगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ होगा लो, और बाहर तो मेरा ऑब्वियसली हाई है ही, एंड एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो, राइट? सो दैट इज़ वाई आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो इस वैक्यूम क्लीनर में डस्ट पार्टिकल्स पुल इन हो जाती हैं और हमारा रूम नीट एंड क्लीन हो जाता है, या फिर कार्स, इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग कार्स। ठीक है, अगला आता है हमारा सीरेंज। अब सीरेंज में क्या होता है, वो जो पीछे पुल करते हैं ना उसे पिस्टन बोलते हैं। तो जैसे आप पिस्टन को पुल करते हो पानी अंदर सकिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसे पुल कर रहे हो पार्टिकल्स तो उतने ही हैं, अब एरिया जो हुआ, एरिया जितने में वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पहले इतना था अब इतना हुआ, तो जैसे ही मेरा एरिया बढ़ा वैसे ही मेरा प्रेशर कम हो जाएगा। एंड सिंस क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, मैंने आपको पहले ही कहा था डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो इन्वर्सली होता है, वो बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगी, न्यूमरेटर का कुछ भी बढ़ेगा तो मेरी ये वैल्यू बढ़ेगी, राइट? सो जैसे ही मेरा एरिया बढ़ा मेरा प्रेशर जो है वो घटेगा, और सिंस ये घटेगा तो यहाँ पे मेरे अंदर पिस्टन क्या आ जाएगा, लो प्रेशर, राइट? और बाहर तो मेरा हाई है ही, सो मेरा जो सारा का सारा वाटर है वो सिरिंज पुल अप कर लेगा। क्लियर? दैट इज़ हाउ ब्लड इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम योर वेन्स, इसी तरीके से। अगला है ये साइफन, इसे बोलते हैं साइफन, ये जो ये वाला है ना, ये इसमें क्या होता है, एक तरफ से आप इनिशियली पुल कर लीजिए पानी, तो क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और यहाँ हाई प्रेशर होता है, सो हमारे जो, क्योंकि हाई से लो जाता है, सो दैट इज़ वाई ये जो लिक्विड है ये पुल अप होके यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाता है साइफन से। साइफन ऑल्सो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। लेट्स समराइज अब तक हमने क्या किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, क्लियर। इसको देखिए, जो मैंने आपको टॉर्सिले बताया था वो ये है, इसमें मरकरी रखी है बीकर के अंदर, एयर प्रेशर लग रहा है, और जैसे ही मेरा एयर प्रेशर लग रहा है ये जो मेरा मरकरी का लेवल है कि 760 mm राइज हो गया। इससे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकती हूँ जो कि होता है 101.3 किलो पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस हैं सकर, साइफन, सिरिंज और स्ट्रॉ। होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है, इस चैप्टर में हमने जो किया उसमें कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसकी और भी वीडियोस को चेकआउट करिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेंगे ग्रेड 8 का। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्यूटेल्फ। एंड आप हमारे चैनल पर साइंस और मैथ्स की वीडियोज़ फ्रॉम ग्रेड 1 to 10 सारी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।